वर्ल्ड कप क्रिकेट में टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन रहा है। टीम के खिलाड़ियों ने इस वर्ल्ड कप में धाक जमाया है। टीम की जीत में हर एक खिलाड़ी का अहम योगदान है, चाहे बैटिंग की बात करें या गेंदबाजी की। दोनों विभाग में टीम का डंका बजा है। बात जब रन चेज की होती है तो टीम के पास रन चेज मशीन विराट कोहली जैसे धाकड़ बल्लेबाज मौजूद है, जिसने टीम को हर बार चेज के दौरान संकट से निकाला है। कोहली के पास रन चेज करने की ऐसी पावर है कि विपक्षी खेमे को सोचना पड़ जाता है कि आखिरकार इस खिलाड़ी को आउट करें तो कैसे करें। जब टीम टारगेट डिफेंड करती है तो टीम के पास बुमराह सिराज की जोड़ी और शमी की धारदार गेंदबाजी बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। शायद यही कारण रहा है कि टीम इस वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं हारी है और इस शानदार प्रदर्शन का फल भी खिलाड़ियों को मिला है। ICC की ताजा रैंकिंग में टीम इंडिया के खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिला। टीम के यंग सुपरस्टार शुभमन गिल ने कमाल कर दिया है। गिल ICC की ताजा रैंकिंग में पहले स्थान पर है। ICC की ताजा रैंकिंग में गिल 830 अंक के साथ पहले पायदान पर मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम 824 अंक के साथ दूसरे स्थान पर हैं। अन्य भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो विराट कोहली को भी ICC की इस रैंकिंग में फायदा हुआ है। कोहली ने इस वर्ल्ड कप में अपने बल्ले का जलवा कायम रखा है। विराट ने हर मैच में अपने बल्लेबाजी से फैंस का दिल जीता है और ICC की रैंकिंग में अपने कप्तान को ही पीछे छोड़ दिया। कोहली ICC की रैंकिंग में चौथे स्थान पर है। कोहली के 770 पॉइंट्स है। ये तो रही बल्लेबाजों की बात, अब बात करते हैं टीम के गेंदबाजों की। तो हमारे गेंदबाज बल्लेबाजों से कौन सा कम है? ICC बॉलिंग रैंकिंग में भी टीम इंडिया के गेंदबाजों ने अपनी धाक शीर्ष पर जमाई है। टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। 709 अंक के साथ सिराज पहले स्थान पर हैं। बात करें सिराज के वर्ल्ड कप के प्रदर्शन की, सिराज का वर्ल्ड कप का आरंभ इतना बढ़िया नहीं हुआ था, लेकिन सिराज कुछ ही मैचों में वापसी करते हुए अपनी लय में आ गए हैं। श्रीलंका के खिलाफ फिर एक बार सिराज का आक्रामक स्पेल दिखा और श्रीलंका की टीम की शुरुआती कमर तोड़ मात्र 55 रनों पर श्रीलंका को ऑल आउट करवा दिया। श्रीलंका के खिलाफ सिराज ने 7 ओवर में 2 मेडन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। अगर टीम इंडिया के खिलाड़ियों का प्रदर्शन ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम वर्ल्ड कप जीत का जश्न मना रहे होंगे।